हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड विद प्रिया। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर बिरयानी। अगर आप रोज़ के खाने से बोर हो चुके हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत डिलीशियस बनती है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पनीर जो है मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा किलो पनीर लिया है और अब मैंने इसमें एक कटोरी डाल दी है दही, और ये मैं डाल रही हूँ एक चम्मच शाही बिरयानी मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और दो चुटकी हल्दी, और एक चम्मच मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, और दो चम्मच जो है मैं देसी घी डाल रही हूँ, शुद्ध देसी घी। और अब हम इसे अच्छे से पनीर में जो मिक्स करेंगे, तो पनीर जो हम मिक्स करेंगे जब हम ये सारा मसाला पनीर में, तो हमें थोड़ा ध्यान से करना है ताकि पनीर जो है वो टूटे ना। और अब मैं यहाँ पे लगभग आधा चम्मच जो है नमक डाल रही हूँ। नमक हमें थोड़ा कम ही रखना है क्योंकि जब हम बिरयानी बनाएंगे तो उसमें मसाले में भी डलेगा। और अब मैं इसे इस फिल्म से जो है रैप कर दूंगी अच्छे से, और फ्रिज में हम इसे एक घंटे के लिए रख देंगे। और यहाँ पे जो है मैंने चावल बनाने के लिए पानी उबाल लिया है, इसमें मैं एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, एक चम्मच नमक और दो चम्मच जो है रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे दो कटोरी ली है, तो दो कटोरी अगर आप राइस ले रहे हो तो फिर आप उसमें चार कटोरी जो है पानी उबालें, तो एकदम परफेक्ट बनते हैं आपके चावल। और राइस जो है बासमती राइस लीजिए। तो ये देखिए, जैसे ही उबाला जाएगा तो हम गैस एकदम स्लो कर देंगे और ढक्कन को इस तरह से टिल्ट करके रखेंगे, पूरा कवर नहीं करेंगे। और ये देखिए, अबाउट 10 टू 15 मिनट्स में हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। और अब हम बनाएंगे बिरयानी का मसाला। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और मैंने यहाँ पे तेज पत्ते डाल दिए हैं, 2-3 पत्ते। और इसके बाद मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ 2 कटे हुए, और हरी मिर्ची डाल रही हूँ 2 से 3। एक चम्मच में यहाँ पे नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छे से भुनेंगे हम। और यहाँ पे मैं 3 टोमेटो डाल रही हूँ, नॉर्मल साइज के कट करके, ज़्यादा छोटे कट नहीं किए हैं। और 2 से 3 में यहाँ पे शिमला मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंदीदा वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डलती है। और अब जो ये मैरिनेट किया हुआ पनीर है ये डाल देंगे हम इसमें। तो मैंने 2 कटोरी चावल के लिए आधा किलो पनीर लिया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कॉम्बिनेशन। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए, अब मैं इसके बाद इसमें पानी डालूंगी लगभग 1 गिलास, और इसे अच्छे से चलाएंगे हम। और इसे अब स्लो फ्लेम पे ही हमें थोड़ी देर चलाना है, जब तक कि इसमें थोड़े से ऐसे बॉयल ना आ जाए। और ये हमारा हो चुका है, 10 मिनट मैंने इसे चलाया है। और ये देखिए, अब मैं ये सारी सब्जी एक बाउल में निकाल दूंगी, और इसी कढ़ाई में जो है थोड़ा सा बटर डालने के बाद एक लेयर हम जो राइस बन गए थे उसकी डालेंगे, और उसके बाद एक लेयर जो है ये सब्जी की डालेंगे। इसी तरीके से हमें 2-3 लेयर्स जितनी बनती है, जितनी आपकी सब्जी है उस तरीके से हम जो है इसकी लेयर्स बनाएंगे। तो मेरे 2-3 लेयर्स बने थे इस सब्जी और चावल के, ये देखिए इस तरीके से। आप घर पे ही इतना टेस्टी जो है ये खाना बना सकते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, इसके बाद जो है मैं यहाँ पे कटे हुए प्याज और टोमेटो के स्लाइसेस डाल रही हूँ, और मैंने ये प्याज फ्राई किया था अलग से पैन में। और अब मैं इसके ऊपर जो है पनीर थोड़ा सा ग्रेट कर लूँगी इस ग्रेटर से। ये देखिए इस तरीके से, बहुत रिच लुक देता है। और ये हो गई है हमारी बिरयानी तैयार। आप ये पनीर डालने के बाद जो है स्लो फ्लेम पे हमें 5 से 10 मिनट रखना है, और उसके बाद जो है हमें इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ध्यान से। तो ये बहुत यम्मी लगता है, ये प्याज और टोमेटो जो इसमें मिक्स हो जाता है। ये देखिए, अब हम करेंगे सर्व। तो आप रायते के साथ इसे ले सकते हैं, या प्लेन कर्ड के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत डिलीशियस बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।